सर, बेहतरीन सहूलियात जिस तरह के आपने फरमाया, बेहतरीन सहूलियात से आरास्ता और प्राइस फ्रेंडली हैं जो है फैसल, अपना अपोलो टावर 2 के बारे में आप बात फरमा रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो सरमायाकार आपका प्रोग्राम अभी आपका मैसेज सुन रहे हैं, सरमायाकारी के एतबार से अपोलो टावर 2 जो है वो किस हद तक मुस्तफ़ीद हो सकता है और लोगों को किस हद तक यहाँ पर अट्रैक्शन दिखाई दे रही है, थोड़ा सा इन्वेस्टर के लिए आपको पैगाम दें। जी सती साहब, ये बड़ा आपका बहुत ज़बरदस्त सवाल है और ये क्वेश्चन किया जाना चाहिए। मैं रियल एस्टेट में 1999 से हूँ। मैंने अपने तजर्बे की बुनियाद पर ये देखा है कि कोई आप प्लॉट ख़रीदते हैं, कुछ अरसे में उसकी प्राइस बढ़ जाती है, जबकि मार्केट के अंदर मैंने देखा है अगर किसी ने किसी जगह अपार्टमेंट लिया है, किसी ने किसी जगह दुकान लिया है, तो वो फंसा रहता है। लेकिन तनवीर एसोसिएट्स का कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें किसी ने कभी जो है वो अपार्टमेंट लिया हो और वो मुझे शिकायत करे कि वो रीसेल नहीं हो रहा। उसकी बड़ी वजह ये है कि एक तो हम उसको बनाते बड़ा डेडिकेशन के साथ हैं, बड़ी अटेंशन के साथ उसको हम बिल्ट अप करते हैं। जब उसकी स्पेशली फिनिशिंग स्टार्ट होती है तो मैं खुद पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाता हूँ। मैं प्रोफेशन के एतबार से ना मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ ना मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन काम कर करके मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि मैं वहाँ जा कर अपनी लगी हुई पूरी कमरे टाइलें खुड़वा देता हूँ कि ये ठीक नहीं लगी हुई। तो उससे क्या होता है कि वो मुझे तो 50,000 का 1,00,000 का नुकसान होता है, लेकिन वो जो काम कर रहा होता है उसकी भी दिहाड़ी ज़ाया होती है। तो वो अगला जो है वो काम बड़े गौर से करता है, बड़े ध्यान से करता है ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना हो। तो ये तो बात है कि हम अपने प्रोजेक्ट पर किस हद तक जो है वो तवज्जो देते हैं, और उसके बाद प्रोजेक्ट जब कम्प्लीट हो जाता है तो उसके बाद कोई पुरसान हाल नहीं होता। आप किसी भी प्रोजेक्ट में F11 में इतने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस बने हुए हैं, F10 में बने हुए हैं, तो आप कहीं भी देखें कि जो मेंटेनेंस टीम है वो प्रॉपर वहाँ पे काम नहीं करती। अपार्टमेंट जिसकी के कम से कम 100 साल लाइफ होनी चाहिए, वो 10 साल में ऐसे खंडर बन जाते हैं। तो तनवीर एसोसिएट का ये भी खासा है कि हमने अपने पहले प्रोजेक्ट से लेके अभी हमारा रिसेंटली वरांडा कम्प्लीट हुआ है, मिसम हाइट्स कम्प्लीट हुआ है, इन प्रोजेक्ट की हम आफ्टर सेल भी जो है वो सर्विस जारी रखते हैं और मेंटेनेंस देते हैं। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के पैसों में बहुत ज़्यादा इजाफा भी हुआ है। यहाँ मैं एक वरांडा को ज़रूर कोट करना चाहूँगा कि जब हमने इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की 2015-16 में, तो हमने इसकी 2 बेडरूम की प्राइस 85 लाख से शुरू की E11 के अंदर। तो जो आज है ये कोई ऐसी कहने वाली बात नहीं है, ये मार्केट ओपन है, कोई चेक करे कि वरांडा में आज 2,75,00,000 का फ्लैट भी नहीं मिलता 2 बेडरूम का। इसी तरह अपोलो 1 जो हमारा E11 में मुकम्मल हुआ, उसके बाद अपोलो 2 हमने स्टार्ट किया, उसकी जो प्राइस है वो 55 लाख से हमने शुरू की, आज वहाँ पर 1,80,85,00,000 का अपार्टमेंट है 2 बेडरूम का। तो ये चीज़ें आपको एग्जांपल्स आपको प्लॉट्स में तो मिलेंगी लेकिन अपार्टमेंट्स में नहीं मिलेंगी। हमारा खासा ही ये है कि हमारे क्लाइंट को फ़ायदा हो और उस पर हम अमल पैरा भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्लाइंट उससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं।